आप यहाँ पे रेगुलरली खाते हो क्या? यहाँ डेली खाना खाने आते हैं, डेली सुबह में हम लोग यहीं मिलते हैं। अच्छा, जब भी मिलिए हमसे यहीं मिलिएगा सुबह में, इतने टाइम को टाइमिंग है इसका। सुबह 7:30 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक ही आपको ये स्टॉल दिखेगा, उसके बाद ये चले जाता है यहाँ से। मेरे को यहाँ बताया था कि जो भी पनीर होता है वो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर आता है, तो सारा आपको फ्रेश माल ही मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं मिलेगा बासी वगैरह। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम, वेलकम बैक टू द चैनल बीएफएफ ब्लेंड। सो आज की वीडियो में मैं आपको आरा का एक ब्रेकफास्ट जॉइंट दिखाने वाला हूँ, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बताते हैं कि वो आरा का बेस्ट ब्रेकफास्ट जॉइंट है, और वहाँ जाएंगे एक्सप्लोर भी करेंगे उसको, और वहाँ का जो ब्रेकफास्ट है वो भी ट्राई करके बताएंगे कि वहाँ के ब्रेकफास्ट का टेस्ट कैसा है। दूसरी चीज़ कि अभी जो हमारा गिव अवे हमने अनाउंस किया है वो अभी भी रनिंग पीरियड में है, तो आप अभी भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो लास्ट डेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वो 29th October है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो, आपको ही मौका मिल सकता है अमेजोन के 2 गिफ्ट जीतने का वर्थ ₹500। आई बटन पे लिंक फ्लैश हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वीडियो में पहुँचे और वहाँ पे जाके रूल्स देखें क्या है हमारा गिव अवे का रूल्स, तो आप भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दूसरी चीज़ कि हमारे चैनल में 2 नए और मेम्बर आए हैं, तो ह्यूज शाउट आउट टू देम। कश्यप एकता और प्रतीक परमार ब्लॉग्स 2 लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, तो ह्यूज शाउट आउट टू देम। प्रतीक परमार ब्लॉग्स का एक खुद का चैनल है, ब्लॉगिंग चैनल, वो ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह करते हैं, तो मैं उनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप भाई का चैनल जरूर चेकआउट करना। अगर आप उनका काम अच्छा लगा तो उनको भी सपोर्ट ज़रूर करना। तो अभी चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी 8:30 हो चुका है और ब्रेकफास्ट का टाइम यही होता है, भूख लग रही है, तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अभी हम पिछली गली में पहुंच गए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हो जहां पे भीड़ लग रहा है वही वो काट है जहां पे आरा का ब्रेकफास्ट मिलता है। मैंने सुना है कि बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है और अभी यहां पे ट्राई करेंगे। मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूं। जो टाइमिंग है इसका, सुबह 7:30 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक ही आपको ये स्टॉल दिखेगा, उसके बाद ये चले जाता है यहाँ से। और इनके पास लिमिटेड चीज़ें ही मिलेंगी आपको, जैसे आपको कचौरी मिलेगी, सब्जी मिलेगी, पनीर के पीसेस मिलेंगे आपको साथ में। और पनीर 2 तरीके से ही देते हैं, फ्राइड पनीर भी देते हैं और जो कच्चा पनीर होता है जिसको हम लोग फ्रेश पनीर बोलते हैं वो भी देते हैं, और वो भी लोग बहुत खाते हैं। और उसके अलावा रायता और प्याज के लच्छे वगैरह मिलेंगे आपको, और जो कॉस्ट होगा ₹30 होगा उसका। अगर आप अलग से कोई कचौड़ी लेते हो तो पर पीस उसका प्राइस ₹5 होता है। तो अभी चलते हैं और ट्राई करते हैं यहाँ का ब्रेकफास्ट, और लोगों से बातचीत भी करेंगे, जानेंगे उनको कैसा लगता है यहाँ का टेस्ट। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं,
और कुछ ही मिनट में आप देख रहे हो कितना ज़्यादा भीड़ लग गया। यहाँ पे मेरे को एक भाई मिले हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनको यहाँ का खाने का टेस्ट कैसा लगता है। तो भाई नाम क्या होगा आपका? अभिषेक नाम पड़ेगा मेरा। आप यहाँ पे रेगुलरली खाते हो क्या? यहाँ डेली खाना खाने आते हैं, डेली सुबह में हम लोग यहीं मिलते हैं। अच्छा, जब भी मिलिए हमसे यहीं मिलिएगा सुबह में इतने टाइम को। तो आपको क्या खास लगता है इनके यहाँ का नाश्ते में, क्या आपको अच्छा लगता है? देखिए, ये इनका पनीर जो है बहुत बेहद पसंद है हमको। सब्जी देते हैं, रायता देते हैं, हरा मिर्च है, प्याज है, कचौड़ी है, बहुत बेहतरीन खाना बनाते हैं। और सुबह में हम डेली यहाँ खाना खाने आते हैं। हम तो अगर ये बोल रहे हैं कि ये रेगुलरली यहाँ पे आते हैं और जिस तरीके से भीड़ लग रही है, हमें आए हुए कम से कम नहीं तो 5 से 6 मिनट हुए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके खा चुके हैं और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं खाने का, तो ऑब्वियस ही बात है कोई तो रीज़न होगा। और भाई आप ये बताओ कि अगर आपको आउट ऑफ 10 इनको रेट करना होगा तो कितना नंबर दोगे इनको? इनको हम 10 में 10 नंबर देंगे, बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, बहुत बेहतरीन। तो इनके एनर्जी से लग रहा है कि खाना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। अभी हम भी ट्राई करते हैं अपना खाना और आपको बताते हैं कि हमें यहाँ का ब्रेकफास्ट कैसा लगता है। सो हमारा जो ब्रेकफास्ट का प्लेट है वो आ चुका है और इसमें हमें 5 पूरी मिली है। जो प्राइस है इसका सिर्फ 30 रुपीज़ है। पूरी के अलावा यहाँ पर सब्ज़ी मिलेगी आपको, जो कि डिपेंड करता है, कभी आलू सोयाबीन की भी हो सकती है, कभी आलू चने की भी हो सकती है। और उसके अलावा आपको रायता मिलेगा और साथ में आपको प्याज के लच्छे और एक मिर्च मिलेगा, फ्राइड मिर्च। तो ये मिलने वाला आपको इन 10 रुपीज़ 30, और एक पनीर का भी पीस मिलेगा इतना बड़ा, आप देख सकते हो कितना बड़ा पीस है। तो 30 रुपये का प्लेट है ब्रेकफास्ट का। इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा है इसका टेस्ट। तो पहले पूरी से ही स्टार्ट करते हैं। तो सब पूरी, सब्जी लगाई ऐसे और थोड़ा रायता भी लगा लेते हैं। जो पैसे है ना, टू बी ऑनेस्ट सब्जी के है, क्योंकि जो टेस्ट है ना सब्जी का, इट्स फुल ऑफ फ्लेवर्स। मसाले काफ़ी अच्छे से पके हुए हैं और आलू काफ़ी अच्छे से पका हुआ है। जो सब्जी का टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम आलू टमाटर की सब्जी खाते हैं ना, वैसा टेस्ट है। हाँ, आपको थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये ऑयली उतना नहीं है जितना लग रहा है। और आप पूरी चेक करो, बहुत सारे लोग पूरी को अनहेल्दी बोलते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर खाओगे ना, छनने के बाद जब ये प्लेट में आता है आपके, इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं दिखेगा आपको, यू कैन सी पूरा ड्राई है। तो ये चीज़ अच्छी है, टेस्ट एक नंबर है। अभी पनीर चेक करते हैं इनका और पनीर चेक करके बताते हैं कि पनीर का टेस्ट कैसा है। टेस्ट करने से ही पता चल रहा है कि पनीर कितना फ्रेश है। और भैया ने मेरे को यहाँ बताया था कि जो भी पनीर होता है वो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर आता है, तो सारा आपको फ्रेश माल ही मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं मिलेगा बासी वगैरह। और सब्जी भी फ्रेश है, रायता का भी टेस्ट एक नंबर है। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आके ट्राई करो। एड्रेस है बिजली गली, बिजली गली में सनी भैया का एक छोटा सा ठेला स्टॉल बोल सकते हो, वो आपको दिख जाएगा। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स कुछ नहीं है, तो आप हाथ में लेके ही खा सकते हो, या फिर ऐसे दुकानें हैं जो बगल में, वहाँ बैठ के खा सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। बाकी इसको ख़त्म करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और इस जगह पे ज़रूर आके विजिट करो अगर आप आराम रहते हो और आप अच्छा ब्रेकफास्ट ढूंढ रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।